While today's youth appears to be more inclined towards modern lifestyle and modern practices, Badr-un-Nisa, a Kashmiri girl, is working to revive the diminishing culture and tradition of Sufism. बचपन से ही इंटरेस्ट था मुझे आर्ट में सो मामा भी हेल्प करती थी बनाने में वगैरह तो फिर आगे जाके मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में टीचर आए असार से नाम है उनका तो ही इज़ वेरी ब्रिलियंट टीचर तो बेसिक्स उनसे सीखे मैंने टिल टेंथ तो उन्होंने कैनवस बनाना के हेल्प करा बेसिक्स अपने क्लियर करना कैसे सिखाया उन्होंने बेसिक शेप्स वगैरह बेसिक आइडियाज़ एब्स्ट्रैक्ट आपको मेरी कोई आइडिया है तो उसे पेपर पर कैसे ढालूँ मैं तो उनसे वो मैंने सीखा तो टिल टेंथ उनसे सीखा गया फिर मेरा एक वर्कशॉप हुआ आफ्टर टेंथ डीना लॉरेंस एक ऑस्ट्रेलियन लेडी थी उसके साथ तो वो आर्ट थेरेपी सिखाती थी हमें कि हम आर्ट के थ्रू कैसे लोगों को क्योर कर सकते हैं बचपन से जैसे हम दादू अपने साथ बिठाते थे हम सारे सिबलिंग्स को स्टोरी सुनाते थे प्रॉफिट्स वगैरह की तो हमें वो मसनवी की लाइनें सुनाते थे तो मौलाना रूम की है मसनवी लिखी गई पर्शियन में बुक है तो मैं बहुत इंस्पायर होती गई तो वो एक जो थॉट है आइडियोलॉजी है कि इस्लाम में शरीयत से ज़्यादा ऊपर कुछ है बेसिकली इस्लाम इज़ ओनली लव सो उसको पोर्ट्रे करना था और मुझे लगा कि नहीं इसके बारे में कोई नहीं आजकल बात करता है तो आई शुड से अबाउट और लफ्ज़ों से बेहतर मुझे लगता है रंग बेटर क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं जब ऑनलाइन हेल्प मिलती है वीडियोज़ हैं वगैरह और टीचर्स मेरे अभी भी असरार से मैं कभी भी कह दूँ तो हेल्प कर देते हैं तो बेसिक नीड्स मतलब मेरे क्लियर हो गए उससे और फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया तो मेरी जो आइडियोलॉजी दैट सूफीज़म बेस्ड मैं सूफी पर्सपेक्टिव दिखाना चाहती हूँ लोगों को कि कैसा है और यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज़ नॉट अंडरस्टूड ईजीली बाई एनी वन सो फिर भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ कि सूफियों को समझा जाए और सूफीज़म के साथ बेसिकली कनेक्शन विद अल्लाह जो ऐसे मसनवी में कहा जाता है हक फर्स्ट लाइन है हक इन टू द रीड फ्लूट कि जो अपने लैमेंट कर रहा है सेपरेशन के लिए जो हमारी बॉडी है दैट्स अ केज सो हमें वो केज तोड़ना है और डेथ बिफोर डेथ ताकि हम अल्लाह ताला से अपनी जो सोर्स है वापस उससे मिल सकें बहुत लेस टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट है सूफी वुमेन मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ अप्रिसिएशन बहुत मिलता है मुझे लगता है और जो आजकल फेसबुक है तो वो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको अप्रिसिएशन मिलता है और आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है कि कोई बंदा है जो ऐसा काम कर रहा है कुछ डिफरेंट है तो उस अप्रिसिएशन बहुत मिलती है कुछ क्रिटिसिज्म भी मिलता है कोई काम ऐसा नहीं जिसको क्रिटिसिज्म ना मिले तो अप्रिसिएशन भी है और क्रिटिसिज्म भी है तो दोनों एक्सेप्टेड हैं सो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो आई जस्ट मतलब एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि गैलरी हो जहाँ आर्टिस्ट लोग अपनी पेंटिंग एग्जिबिट कर सकते जैसे हम दिल्ली जाएँ तो हर गली पे आपको एक गैलरी वाला बोलेगा आज हो आप करो यहाँ पे एग्जिबिट हमें वहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है बट कश्मीर में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आर्टिस्ट के लिए जहाँ हम अपनी पेंटिंग्स एग्जिबिट कर सकें जहाँ लोगों को दिखा सकते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं या हमारा काम है आप देखिए